छह नंबर, मान लीजिए कि पी ए बराबर में पी बी है, पी ए यानी कि घात समझ कर है, पी ए बराबर ए है, पी ए बराबर पी बी है, तो सिद्ध करना है कि ए बराबर बी होगा। चलिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना एक्स कोई, माना यहाँ पे क्या दिया है, पी ए पी बी के बराबर है ना, तो मान लेते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट है जो सेट ए में मिल रहा है, सेट ए में मिल रहा है, ठीक है, एक्स कोई एलिमेंट है जो सेट ए में मिलेगा। अच्छा तो ए, अगर मैं ए की बात करूं तो ए आपका, ए आपका क्या होगा, तो ए आपका एक एलिमेंट होगा पी ए का, ए जो होगा पी ए का एक एलिमेंट होगा, क्योंकि ये घात समुच्चय है, तो घात समुच्चय समुच्चयों का समुच्चय होता है ना जी, समुच्चयों का समुच्चय होता है। चलिए अब देखो, तो मैं यहां पे ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि ए ए एलिमेंट होगा पी बी का भी, क्योंकि आपके पास दिया हुआ है कि पी ए जो है पी बी के बराबर है, तो दोनों को बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह ये भी तो यूज कर सकते हैं ना, पी ए को हटा के पी बी भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो, हम लोग ए जो हो गया पी बी का भी एक एलिमेंट हो गया, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना माना एक्स कोई एलिमेंट है जो सेट सी का है, जहां मैं लिख देता हूँ, जहां जहां यह सेट सी जो है ना एलिमेंट है पी बी का, है ना, पी बी का कोई एलिमेंट आपका सी है और सी का ही एक एलिमेंट एक्स है, सी का ही एलिमेंट क्या है एक्स है, यानी कहने का मतलब यहाँ कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यह सी जो है सी सबसेट है बी का, सी एक एलिमेंट है पी बी का, यानी कि बी का सबसेट रहा होगा, बी का सबसेट रहा होगा ना जी, सेट बी का या सबसेट रहा होगा, सिंपल सी बात है। समझो यहाँ से, मैं यहाँ पे एक सेट बी लेता हूँ जिसका एलिमेंट वन टू थ्री लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके घात समुच्चय की बात करूँ तो घात समुच्चय में यानी कि पी बी में क्या क्या आएंगे, तो एक फाइव आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, वन टू आएगा, वन टू थ्री आएगा, वन थ्री आएगा और वन टू थ्री आएगा, वन थ्री आएगा और वन टू थ्री आएगा, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए पहले बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारे आएंगे इसके एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, इसमें से अगर कोई एलिमेंट मान लो किसी में क्या, यही ले लेता हूँ टू थ्री, टू थ्री ही ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ टू थ्री की बात करें, इसी को लेता हूँ, मान लेता हूँ कि यह आपका सेट सी है, यह आपका सेट सी है, तो सेट सी बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो गया, सेट सी बी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा कि नहीं, और इसमें का कोई एलिमेंट जो होगा इस सेट से बिलोंग करेगा आगे चल के, चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सी जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, लिख सकते हैं ना जी, सी बी का प्रॉपर सबसेट है, तो इसलिए यहाँ पे वह एलिमेंट एक्स जो है वह सेट बी में भी मिलेगा, वह एलिमेंट सेट बी में, यहां से समझो सी बी का प्रॉपर सबसेट है, तो इसमें का कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी दो या तीन कोई भी, इसमें मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना, यानी कि हम लोग क्या दिखा दिए कि एक्स बी में भी मिल रहा है और सी में भी मिल रहा है, देयरफॉर यहाँ पे और एक्स ए में भी मिल रहा है, एक्स ए में भी मिल रहा है, तो एक्स एलिमेंट जो सेट ए में मिला है और वही एलिमेंट सी में भी मिला है, वही एलिमेंट बी में भी मिला है, यानी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है, ठीक है, इसी प्रकार हम लोग दिखा सकते हैं कि बी ए का भी सबसेट है, बी ए का भी सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है, ऐसे दिखा सकते हैं, देयरफॉर हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि ए बराबर बी, एक्चुअल में ये सबसेट का सिंबल यही होना चाहिए, ठीक है, आपके बुक में गलत यूज किया है लेकिन ये होना चाहिए था, ठीक है, यही सिंबल यूज होना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला